हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट स्टडी। इस वीडियो में आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग टू क्लास 4 रिक्रूटमेंट। लेकिन उससे पहले अगर आप रेगुलर एग्जाम अपडेट्स चाहते हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी आल्सो हैव स्टार्टेड अ फ्री कोर्स ऑन जेके बैंक रिक्रूटमेंट जिसकी हम रेगुलरली वीडियोज डाल रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे चैनल पे ऐसे प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जैसे ये रीजनिंग की श्रद्धा मैम की प्लेलिस्ट है, मेरी प्लेलिस्ट है, और उसी तरह मैथ्स के क्वांट की जो सेक्शन है उसके लिए विशाल सर, संभव सर और नितिन सर की प्लेलिस्ट बनी है। तो आप यहाँ पे जाके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। रीजनिंग के जो टॉपिक्स है, जो श्रद्धा मैम ने सिलॉगिज्म कवर करा दिया है, इनपुट आउटपुट उनकी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और उसके बाद वो सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब टॉपिक्स आपके सब कवर करवाएंगी। वैसे ही मैं आपको ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटीज और डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर, रैंकिंग, ये सब टॉपिक्स करवाऊंगी। आपको ऑलरेडी इनइक्वालिटी की वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी। उसी तरह क्वांट में जो मैथ्स की सेक्शन है उसमें नितिन सर आपको परसेंटेज से रिलेटेड जो चैप्टर्स है, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो प्रोपोर्शन हो गया, बोथ स्ट्रीम, ये सब जो टॉपिक्स है ये सब आपको नितिन सर करवाएंगे। और विशाल सर आपको नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, स्पीड, मैथ्स की ट्रिक, एवरेज, ये वाले चैप्टर्स विशाल सर। संभव सर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन कराएंगे, जिनकी प्लेलिस्ट में आपको ऑलरेडी पाई चार्ट्स की जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं। उसी तरह जो नितिन सर हैं उनकी प्लेलिस्ट में आपको ऑलरेडी परसेंटेज और रेशो प्रोपोर्शन चैप्टर की वीडियोज़ मिल जाएंगी। विशाल सर की प्लेलिस्ट में आपको नंबर सीरीज जो है वो कवर हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि जो ये JNK गवर्नमेंट ने JKSSB को पोस्ट रेफर की है क्लास 4 जॉब्स की, उसके बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं। किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है ना, वो ये है कि हम क्या एलिजिबल भी हैं उस जॉब के लिए। तो एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो क्या है? तो जैसे इनके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि सबसे पहला पॉइंट जो है वो डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK आपको होना है, ठीक है। उसके अलावा जो एज और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो क्राइटेरिया है वो SRO 99 ऑफ 2008 के हिसाब से होगा। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्राइटेरिया। फर्स्ट तो हमें पता चल गया कि डोमिसाइल ऑफ JNK होना चाहिए। सेकंड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो जो डिफाइंड है SRO 99 ऑफ 2008 में, वो दिया हुआ है मिनिमम 10th क्लास और मैक्सिमम आपकी 12th। अगर आपने 10th क्लास की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो है मिनिमम 18 इयर्स एज आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 वहाँ पे गिवन है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो क्लेम करेंगे बेनिफिट एडिशनल वेटेज का, जो कैजुअल वर्कर्स वाली कैटेगरी से, उनको 5 इयर्स की जो एज की रिलैक्सेशन है ना वो मिलेगी। इसका जो मीनिंग है ये मैं आपको थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करूँगी आगे जाके। तो अगर आप देख रहे हो कि इसमें आप एलिजिबल हो, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन माइंड में जो आता है ना वो ये आता है कि पोस्ट कितनी निकली है, ठीक है। तो जो JKSSB को रेफ़र की गई है ना वो है 7052 पोस्ट। इनको फर्दर, यही जो 7052 पोस्ट है ना, इन्हीं को फर्दर डिस्ट्रिक्ट कैडर, डिविजनल कैडर और यूटी कैडर में डिवाइड किया गया है। डिस्ट्रिक्ट कैडर में हमारे पास 3475 पोस्ट हैं, डिविजनल कैडर की पोस्ट जो है वो 3142 हैं, और जो यूटी कैडर की है वो सिर्फ 435 पोस्ट निकली है। तो जो डिस्ट्रिक्ट कैडर की 3475 पोस्ट हैं, इसका भी जो फर्दर डिविजन है वो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से जो डिविजनल कैडर की 3142 पोस्ट थी वो भी जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन में इस तरह से डिवाइडेड है। जम्मू की 1619 और कश्मीर की 1523 पोस्ट। तो अब जब हमने ये देख लिया कि पोस्ट कितनी है, ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। इसमें सब कैंडिडेट्स को 100 मार्क्स की क्राइटेरिया से सिलेक्ट करेंगे। तो जो यूटी कैडर है उसमें रिटर्न एग्ज़ाम होगा आपका 85 मार्क्स का। उसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनके कोई फैमिली मेंबर अगर कभी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं थे, गवर्नमेंट सर्विस में PSU और ऑटोनॉमस बॉडीज़ और ये सब जो है ये इंक्लूडेड है, ये आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में। तो ऐसे जो कैंडिडेट्स होंगे उनको 5 मार्क्स मिलेंगे। और अगर कोई विडो या डिवोर्स्ड वुमेन या
जुडिशली सेपरेटेड या फिर कोई ऑर्फन गर्ल है, इस कैटेगरी के भी अलग से 5 मार्क्स हैं। अगर कोई कैजुअल वर्कर है जो 5 ईयर्स या मोर से जो है वो काम कर रहे हैं, तो इसके भी 5 मार्क्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपने ये प्रूफ कैसे करना है कि अगर आप इसमें से किसी कैटेगरी में ये 5 मार्क्स क्लेम करना चाहते हैं। ये आपको अप्लाई करने के टाइम पे नहीं करना है, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ है वहाँ से आपको इसका सर्टिफिकेट इशू होगा, बट सिलेक्शन के बाद, उससे पहले आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ये फैमिली मेंशन था, यहाँ पे इसका मतलब है कि ब्रदर, सिस्टर या पेरेंट्स, इसमें से अगर कोई आपका गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो आप उन 5 मार्क्स के लिए एलिजिबल हो। वैसे कैजुअल वर्कर में वो लोग आएंगे जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं या फिर जो कोई कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। और जो ये डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन कैडर की पोस्ट है ना, उसमें ये चेंज लाया गया है कि कोई भी किसी भी पार्ट ऑफ JNK का है वो किसी और पार्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कश्मीर डिवीजन के लोग जम्मू वाली पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लोग सांबा डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसे लग रहा होगा इससे लोकल कैंडिडेट को नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए इन्होंने लोकल कैंडिडेट के 5 या 10 मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो रखा हुआ है, वो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो जैसे ये डिविजनल कैडर की जो पोस्ट है, इसके लिए रिटन टेस्ट जो है वो 80 मार्क्स का, UT के लिए इट वॉज 85 मार्क्स, ठीक है। डिविजनल के लिए 80 मार्क्स का रिटन टेस्ट है, और जो 5 मार्क्स हैं वो आपको मिलेंगे ये होम डिविजन के कैंडिडेट को। होम डिविजन के कैंडिडेट मतलब आपने, अगर सपोज आप जम्मू डिविजन के हैं, आपने जम्मू डिविजन की ही पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो ये आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और फिर वही है, जो अगर आपकी फैमिली में से ब्रदर, सिस्टर या पेरेंट्स में से कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं, तो उसके 5 मार्क्स, विडो, डिवोर्स, जुडिशली सेपरेटेड या ऑर्फन गर्ल्स के 5 मार्क्स, और कैजुअल वर्कर वाले कंडीशन जो थी उसके भी 5 मार्क्स इसमें एज इट इज़ आएंगे। फिर उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कैडर में रिटन टेस्ट जो है वो 75 मार्क्स का हो गया 80 की जगह, ठीक है। और इसमें जो होम डिस्ट्रिक्ट के मार्क्स है ना, अगर आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट या सांबा डिस्ट्रिक्ट या ऐसा कुछ देख रहे हैं, तो अगर आप अपनी ही डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे 5 की जगह। कैंडिडेट्स हुज फैमिली मेंबर नीदर इज नॉर हैज़ बीन इन गवर्नमेंट सर्विस, मतलब कभी उन्होंने नहीं की गवर्नमेंट सर्विस किसी फैमिली मेंबर ने, तो आपको ये भी 5 मार्क्स मिलेंगे। और बाकी कंडीशंस भी सेम है, जैसे विडोज, डिवोर्स्ड और ऑर्फन गर्ल्स जो भी था उसके 5 मार्क्स, और कैजुअल वर्कर्स वाली जो कंडीशन थी उसके भी 5 मार्क्स। अब आपको जिस कैडर की पोस्ट चाहिए आपको उसके हिसाब से प्रेफरेंस भरनी होगी एप्लीकेशन के टाइम, जब आप अप्लाई कर रहे हो उसी टाइम। जैसे यहाँ लिखा है कि UT डिविजनल या डिस्ट्रिक्ट कैडर की वैकेंसीज़ के लिए आपको अप्लाई करने के टाइम ही अपनी प्रेफरेंस बतानी है। अगर आप नहीं बताओगे तो वो उसको इस तरह कंसीडर करेंगे कि आप किसी भी कैडर के लिए जॉब करने के लिए रेडी हो। तो अब सबसे ज़रूरी बात करते हैं जो कि है सैलरी, ठीक है। तो सैलरी का क्या हिसाब रहेगा ये डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको पहले ये बता दूँ कि ये जो पोस्ट है इसमें 5 साल तक आपका जो है प्रोबेशन पीरियड चलेगा, जिसमें आपको सैलरी जो है वो बेसिक मिलेगी, बेसिक पे मिलेगी आपको। और 5 ईयर्स के बाद जो है आपकी जॉब परमानेंट हो जाएगी, उसके साथ जो बाकी जो भी बेनिफिट्स आते हैं परमानेंट जॉब के, वो सब आपको 5 ईयर्स के बाद मिलेंगे। सो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे इस जॉब के बारे में। आप सबको ऑल द बेस्ट। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो एग्ज़ाम अपडेट्स और प्रिपरेशन के लिए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, और आप हमसे कमेंट्स के थ्रू भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर हमारा जो इंस्टाग्राम, फेसबुक के ये जो पेज हैं और ग्रुप बने हुए हैं, टेलीग्राम का ग्रुप बना है, आप यहाँ पे भी हमें अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। इन सारे सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।